आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जाति प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। विवाहित महिला हो या अपना बनाना हो या कुमारी लड़की का बनाना हो, मेरा वीडियो अगर आप देखिएगा पूरा, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसमें मैं बारीकी से अच्छी तरह समझाया हूँ, तो देरी नहीं करते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ढूंढ लेना है, क्योंकि सबके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होता है। तो देखिए मेरा एक क्रोम ब्राउजर ये रहा, इसका लोगो कुछ इस प्रकार का रहता है, तो इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। उस तो देखिए कुछ समय लग रहा है, तो आप पहले से अगर कुछ यूज किए होंगे तो आपको कोई सा भी पेज आ जाएगा। तो इसको आप न्यू टैब करने के लिए ऊपर में थ्री डॉट है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ न्यू टैब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपका ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ सर्च बार जो है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है सर्विस प्लस बिहार। तो मैंने पहले से लिख रखा है इसलिए मेरा आ गया है आपको, तो आप लिख लीजिएगा वो नीचे भी आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो यहाँ RTPS 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहता है। तो ऊपर वाला ये वेबसाइट जो है सर्विस ऑनलाइन बिहार GOV.in लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया। तो ये सर्विस प्लस का होम पेज है बिहार का। देखिए नीतीश कुमार का फोटो भी स्क्रॉल करके नीचे आई है। ये अब मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूँ, लैपटॉप में रहता है, डेस्कटॉप साइड इसको भी आप कर सकते हैं लेकिन मोबाइल में ऐसा ही रहेगा तो आपको अच्छा ही रहेगा। आप डेस्कटॉप साइड नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं है। लोक सेवा का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो जाति प्रमाण पत्र वाले पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अनुमंडल स्तर, जिला स्तर, ये सब पर बाद में बनता है, पहले अंचल स्तर पर ही आपको बनाना पड़ेगा, मतलब ब्लॉक लेवल पर ही पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सब ही बनता है। तो मैं आपको यही अंचल स्तर पर ही बना के बताता हूँ, तो उस पर क्लिक करिएगा आप। उसके बाद में देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा, कुछ समय लगेगा, देखिए कुछ सर्चिंग ले रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, तो फिर थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आइएगा। उसके बाद में आपको किसका जाति प्रमाण पत्र बनाना है, पुरुष का, स्त्री का और तृतीय लिंग, ये तीनों में चूज करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर पुरुष का बनाना है तो आप पुरुष सिलेक्ट करेगा, स्त्री अगर शादीशुदा है तो उसका एड्रेस जो होता है परमानेंट एड्रेस वो उसके मायके का डालना पड़ता है। तो मैं स्त्री के लिए बता रहा हूँ, तो स्त्री वाले पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में कोई अभिवादन अगर है तो लिख सकते हैं, श्री श्रीमती जो लिखा, श्री सुश्री कोई भी अभिवादन नहीं। तो आपके आधार कार्ड में अगर कोई भी अभिवादन नहीं लगा हुआ है तो आप कोई भी अभिवादन नहीं वाले पर क्लिक कर सकते हैं। इसको अगर छोड़ भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, कोई अभिवादन सिलेक्ट हो गया है आपका, पहले से ही रहता है। इसमें आपको अब जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम लिखना है, जिस पे लाल रंग के ट्रिक लगा हुआ वो आपको कंपल्सरी लिखना ही लिखना है। उसके बाद में अगर मान गए जैसे मेरा नाम है संजीव कुमार, तो संजीव कैपिटल से ही शुरू करना है। उसके बाद आप स्मॉल लिखिएगा, उसके बाद संजीव हो गया, उसके बाद फिर टाइटल जो है वो आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट अक्षर कैपिटल में आप लिखिएगा, उसके बाद ये स्मॉल भी लिखिएगा तो चलेगा, ऐसा ही सही आपको लिखना है। उसके बाद में स्पेस छोड़ने के बाद में कंप्यूटर में आ जाता है, मतलब ऑटोमेटिक, लेकिन इसमें आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद फादर का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फादर का नाम हिंदी में लिखना पड़ेगा, मतलब पिताजी का नाम। उसके बाद मदर का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके आना है, हस्बैंड का नाम अगर शादीशुदा है तो उसका लिख सकते हैं, नहीं तो उसका छोड़ भी सकते हैं, इस पर लाल टिक नहीं है, ये उतना कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद में जिसका आवेदन आप कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है,
मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा 10 अक्षर का, उसके बाद में नीचे वाले में आवेदन कर रहे हैं आप एक ईमेल आईडी दे दीजिएगा। ईमेल आईडी देने से आपको ये होता है जाति प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा तो आपके ईमेल आईडी पर उसका पीडीएफ आ जाएगा, और पीडीएफ आप डाउनलोड करके किसी साइबर कैफे से निकलवा करके उसका यूज कहीं पर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्थानीय पता है, तो आप किसी लड़की का अगर बना रहे हैं तो उसके मायके का एड्रेस देना पड़ेगा इसमें आपको, अगर किसी लड़का का बना रहा है तो इसमें उसके घर अपने घर का एड्रेस देना पड़ता है, जहां उसका पर घर है पिताजी का घर है उसका एड्रेस देना पड़ता है। और कुमारी लड़की का बना रहे हैं तो उसके पिताजी का ही आप यहाँ का ही अपना एड्रेस देना है जहाँ पर वो अपने पिताजी के पास रह रहा है। यहाँ हमें यहाँ मायके इसलिए कर रहे हैं जहाँ पर लड़की का जन्म हुआ है, वो शादीशुदा हो भी जाती है लेकिन अब जाति में यह नियम है कि आपको उसके मायके एड्रेस मतलब उसके पिताजी के गांव का ही एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, वहाँ के ब्लॉक से ही आपका ये जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो इसमें उसका स्टेट चूज करना है, स्टेट तो बिहार का है तो बिहारी सिर्फ आता है, उसके बाद जिला है, अनुमंडल है, प्रखंड है, स्थानीय निकाय का प्रकार है, ग्राम पंचायत से आप है कि नगर निगम से है कि नगर परिषद से है कि नगर पंचायत से है, जिससे भी आप हो बगल में एक बॉक्स आ दिया उस पर आप ट्रिक करिएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वार्ड नंबर लिखना जरूरी है, वार्ड नंबर आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर वार्ड नंबर नहीं लिखते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद में उसका ग्राम मोहल्ला कौन सा है वो आप लिख दीजिएगा, उसके बाद उसका डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो लिख दीजिएगा, उसके बाद थाना चूज करने का आता है जो भी आपका थाना होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में पिन नंबर आपके एरिया का जो भी हो वो लिख देना है। उसके बाद में अगर लड़का का बना रहे हैं तो ऊपर के पता जैसा ही आपका इस पर ट्रिक कर दीजिएगा तो नीचे वाला में भी आ जाएगा, अगर लड़की का बना रहे हैं तो अगर ससुराल में अगर जब लड़की शादीशुदा लड़की आ जाती है तो उसके ससुराल का एड्रेस आपको देना है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आधार नंबर के लिए है, तो आधार नंबर आप दे सकते हैं, इस पर लाल ट्रिक नहीं लगा हुआ है, आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड नंबर जब भी आप दीजिएगा तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर एक OTP आता है वो आपको OTP डालना पड़ता है, उसमें मतलब कुछ 4-5 डिजिट का कोई कोड रहता है वो आता है तो वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में अगर शादीशुदा लड़की का बना रहे हैं तो उस मतलब उसके पति के घर का एड्रेस आपको इसमें डालना पड़ेगा, अगर लड़का का बना रहे हैं तो कहीं और का एड्रेस है तो वो भी आप लिख सकते हैं, मतलब अभी प्रेजेंट में कहीं और रह रहा है, वर्तमान में अभी कहीं और पे रह रहा है तो वो देना, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनाने में आपको जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा वो उसके गांव का ही होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें आप एड्रेस जहां है वहां का डाल सकते हैं, लेकिन आपको जो अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट वो आपको उस जहाँ का बना रहे हैं अगर बिहार का बना रहे हैं तो बिहार का ही आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर कैसा है आवाज ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत के साइड में बॉक्सा बना हुआ उस पर क्लिक करके आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में अपना वार्ड नंबर लिख लीजिएगा, उसके बाद में अपना ग्राम मोहल्ला लिख लीजिएगा, उसके बाद अपना डाकघर लिख लीजिएगा, थाना सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड अपने एरिया का लिख लीजिएगा, अब उसके बाद में आवेदक का फोटो आपको अपलोड करना है, वो भी फोटो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और KB में होना चाहिए, MB में अगर फोटो आपका रहेगा तो नहीं अपलोड होगा, KB में ही होना चाहिए। मेरे चैनल पर वो भी वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मैं आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उसका फ़ोटो का साइज आप बना लीजिएगा, उसके बाद उसका फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिएगा, जो फोटो पर क्लिक करना है उसके बाद में देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा आपके फाइल में है, तो फाइल पर क्लिक करना है और आप फाइल में जहाँ भी अपना फ़ोटो रखेंगे वहाँ से आपको ढूंढ लेना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे नहीं है तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद इमेज में मेरा है
उसके बाद में मैं रखा पिक्सल लाइव में अपना फ़ोटो रखा, तो मैं अपना फ़ोटो आ गया, तो मैं फोटो पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए मेरा फ़ोटो सिलेक्ट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद में आपका पैसा क्या है, क्या काम करते हैं, उस पर क्लिक किया मैं। उसके बाद में जो आप काम करते हैं, सबके बगल में एक बॉक्स का निशान, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने कर लिया। उसके बाद में नीचे है वर्ग, वो आप पता कर लीजिएगा अपने गांव, उसके बाद ही सिलेक्ट करेगा उसमें आप किस जाति में, अनुसूचित में जिस भी जाति में है। बगल में एक बॉक्स का निशान दिया रहता है, उस पर क्लिक करके आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में है जाति, आप उसमें अगर सही सिलेक्ट किया तभी उसमें जाति आपका आएगा। तो इसमें आप देख लीजिएगा आपका कौन सा जाति है, अगर जाति आया कि नहीं उसमें से देख करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में क्रमांक, जाति का क्रमांक उसमें आ जाता है, लेकिन उसके बाद में है उपजाति। तो उपजाति अगर आप सिलेक्ट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि रेड ट्रिक नहीं लगा हुआ, रेड स्टार नहीं बना हुआ, तो उसको आप छोड़ दीजिए। उसका नीचे ये सारा पढ़ के आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आप ऊपर भी अपना सारा चेक कर सकते हैं कि मैं क्या सही भरा हूँ, क्या गलत भरा हूँ। आप भी अपना बारीकी से चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कोई गलती रहेगा तो बनाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सही से अपना सब कुछ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में नीचे की तरफ आइएगा। उसके बाद नीचे में जो ये कैप्चा आपको हरे कलर में दिखाई दे रहा है, उस कैप्चे को आपको नीचे वाला बॉक्स में लिखना है, नहीं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं ऐसे एक लिख करके देख रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक किया तो लिखने का ऑप्शन आ गया। तो उसको चेंज करने के लिए वहाँ पर सिंबल है, उस पर क्लिक करके मैं उस कैप्चा को चेंज भी कर सकता हूँ। तो चेंज आप भी कर दीजिएगा। देखिए चेंज हो गया है। उसके बाद में कैप्चा आपको नीचे लिख देना है, सही सही जैसे है वैसे आपको सही सही नीचे लिख देना है। कैप्चा लिखने के बाद नीचे है क्लोज है, रिक्वेस्ट है, उसके बाद में प्रोसीड है। तो आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो हमको प्रोसीड करना क्योंकि बनाना ही है, तो हम उस पर क्लिक किए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज को लगाते, इसमें वही सब है, अपना नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चेक कर लीजिए सही है कि नहीं आपका। अगर सब कुछ सही सही है, मैंने तो सही बड़ा चेक करके देख लिया, इसके लिए नीचे ओके है तो उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वो मेरा सही है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुलने में कुछ समय लगता है। देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, आपका नेट जैसा रहेगा वैसा जल्दी ही खुल जाएगा। पर भी अपना चेक करके देख सकते कहीं पर कुछ गलती है ना, क्योंकि अभी भी आप सुधार कर सकते हैं। अगर सब कुछ फाइनल सबमिट जब कर दीजिएगा तो कोई सुधार नहीं होता। तो इस में भी आप अपना पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चेक करके देख लीजिएगा। नीचे एडिट भी है, कैंसिल भी है, अटैच का भी ऑप्शन आता है। तो अब जो अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, मतलब दोनों साइड का ही फ़ोटो होना चाहिए, मतलब पूरा दिखना चाहिए, तो अटैच वाले पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो देखिए मेरा नेक्स्ट पेज खुल गया। तो उसमें जौन सा भी अटैच हमको करना है उस पर सिलेक्ट हम करते हैं। उसके बाद में उसमें सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, जो भी है, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब का ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो नीचे वाला ऑप्शन है पहचान पत्र बनवाने का, तो वो पहचान पत्र आप बना लीजिएगा। उसके बाद विधायक चाहे नगर परिषद कोई नगर सदस्य कोई भी हो, सांसद, उससे भी आप उस पर साइन करवा लीजिएगा, क्योंकि वो भी मान्य हो जाएगा। अगर नहीं कोई डॉक्यूमेंट रहेगा, उसके बाद में ये लास्ट वाला ऑप्शन है। तो हमारे पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड वाला सबके बगल में एक बॉक्स है, तो हम आधार कार्ड चूज कर लेते हैं अपना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो नेक्स्ट हो गया, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करना है, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, JPG में होना चाहिए। और तो उस पर हम क्लिक किए और अपना जहाँ भी रखें फाइल में, फाइल पर क्लिक किए, तो मैं यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लूँगा। अभी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कन्फर्मेशन कर लिए, नेट आपका स्लो रहेगा तो ऐसा भी हो जाए, तो इसको थोड़ा उंगली के सारे ऊपर के नीचे की तरफ करिए, ऊपर से मतलब नीचे की तरफ करिए, तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट पेज खुलेगा।
तो वहाँ पर फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपना चूज करना होगा, उसके बाद में फाइल फिर से अपना अपलोड करना होगा। तो मैंने ये सब आपको पहले बताया है, इसलिए आप तो जान ही रहे होंगे, तो कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं सब कुछ अपना सिलेक्ट डॉक्यूमेंट भी कर लिया, डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करिएगा दोनों साइड के ही आना चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ पर है सेव जो लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे ही हम क्लिक किए, उसके बाद में देख लीजिए नेक्स्ट पेज खुला। तो यहाँ पर देखिए मेरा आधार कार्ड अपलोड हुआ सो भी, मेरा नंबर भी दे दिया, मेरा जाति प्रमाण पत्र का कौन सा नंबर है उसे हम चेक कर सकते हैं, वो नंबर भी मेरा दे दिया है। तो मैं फिर यहाँ पर अपना सब कुछ देख सकता हूँ, नहीं तो सबमिट जो लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा डिटेल आ गया है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ अपना सारा कुछ मेरा सही सही भरा हुआ है, क्योंकि सब कुछ मैं सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद मैं अगर अपना PDF का डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो डाउनलोड करने का ऑप्शन है, या मेरे फाइल में भी डाउनलोड हो जाएगा, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से भी ड्राइव के माध्यम से मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये मेरे फाइल मैनेजर में भी डाउनलोड हो गया है, तो मैं वहाँ से भी देख सकता हूँ। अभी मैं यहाँ देख लिया हूँ, तो देखिए मेरा ओपन हो गया है। तो मैं पूरी तरीके से अपना सारा कुछ चेक करके देख लिया कि इसमें संभावित तिथि बनने का कितना है, वो भी बता रहा है 10 कार्य दिवस। उसके बाद में मैं कर करके फिर मोबाइल के होम पेज पे चले जाना है। तो होम पेज पे चले जाएंगे, उसके बाद में जैसे भी आपको जाना होगा होम पेज पे अपने आप चल जाएगा, क्योंकि आपका जाति प्रमाण पत्र बन चुका है। तो होम पेज पे चल जाइएगा, वो डाउनलोड जो किए हैं वो आपको फाइल में आपको दिखाई देगा। तो फाइल में मैं अपना ढूंढ करके फाइल जहाँ पर भी मेरा ओपन कर लूँगा। उसके बाद में मेरा देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा, थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद देखिए वहाँ पर भी आ गया, नहीं तो मैं ऊपर में अपना डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ उस पर क्लिक करते हैं, वहाँ से भी मैं अपना देख सकता हूँ। इसी तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र अपना बना सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर भी देखना चाह रहा था, तो मैं यहाँ से भी देख लूँ। यहाँ पर सब कुछ दे रहता है, आपका डेट भी ऊपर में दिया रहता है, उसके बाद नंबर भी वहाँ पर दे रहा है कि अब तक बनेगा, संभावित तिथि सारा आपको बताया रहता है। तो इस तरह कैसे आप अपना बना सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अच्छी तरीक़े से आपको समझा दिया हूँ। इसके बाद मैं आपको स्टेटस चेक करके भी दिखाऊंगा कैसे चेक किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।